इस साल नीट में हुई कथित धांधली का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कुछ पीड़ितों ने न्याय की आस में देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। सवाल है कि क्या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट दुरुस्त तरीके से हुआ है। नीट के रिजल्ट आए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन छात्रों में भ्रम आज भी बरकरार है। लाखों बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि वे NTA ने जो नतीजे घोषित किए हैं क्या उन्हें ही आखिरी मान ले या फिर दोबारा परीक्षा की तैयारियां में झूठ जाए। नीट परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कथित गड़बड़ियों को लेकर फिर से परीक्षा कराने की मांग की गई है। नीट UG परीक्षा को कराने वाली संस्था है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अपनी दलील है कि इस साल प्रश्न पत्र आसान दे दिया गया था और ज्यादा परिस्थितियों की परीक्षा में अपियर होने के कारण इस तरह के बड़े रिजल्ट आए जिसमें बहुत सारे लोग टॉप कर गए है। यह देखने को मिला है इस साल 7 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। इन छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। आज तक कभी भी इतनी संख्या में एक साथ छात्र टॉप नहीं हुए। 2021 में 3 छात्र टॉप पर गए थे। आमतौर पर 1 या 2 छात्र ही टॉप पर जाते हैं, यानी नंबर 1 के रैंक वो शेयर करते हैं अनुमान से। ऐसे 1, 2 या अधिकतम 3 छात्र होते हैं, लेकिन इस बार 7 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। पीएम मोदी इतिहास रचने के रास्ते पर अग्रसर है। वे लगातार 3री बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कॉमन संभालने जा रहे हैं। संविधान भवन के सेंट्रल हॉल में उन्हें NDA को नेता चुन लिया गया है। उनके शपथ ग्रहण का समय भी तय हो गया है। वे रविवार को शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि मोदी का इस मुकाम को हासिल करना आसान नहीं था। पूरा विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की घेराबंदी में जुटा थे, लेकिन चुनावी रण में पीएम नरेंद्र मोदी के 5 प्राणों ने पूरा नजारा बदल दिया है। बचपन में चाय बेचने वाला एक शख्स अगर किसी देश की 3री बार लगातार प्रधानमंत्री बनता है तो यह उस संविधान की वजह से है जिसे दुनिया का यह सबसे बड़ा लोकतंत्र चलता है। लेकिन भारत का यह संविधान ही इस चुनाव में विमर्श का एक मुद्दा बना रहा। दरअसल संविधान का सवाल चुनाव में विपक्ष की तरफ से एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया था और उसकी असली वजह थी। अब की बार 400 पार वाला नारा लोकतंत्र में हर पार्टी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की चाहत रखती है, लेकिन BJP के ही कुछ नेताओं के बयान से विपक्ष को BJP पर हमला बोलने के लिए विपक्ष को मौका मिल गया है। उन नेताओं ने यह करना शुरू किया कि 400 से ज्यादा सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रामोजी राव का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह हैदराबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। रामोजी राव मीडिया जगत की बड़ी हस्ती माने जाते हैं। वह रामोजी फिल्म सिटी और ETV नेटवर्क के मालिक थे। साल 2016 में उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 87 साल की उम्र में रामोजी राव का निधन। जानकारी के मुताबिक रामोजी राव को उनको हाई ब्लड प्रेशर और सांस फूलने की दिक्कत के बाद 5 जून को हैदराबाद के एक अस्पताल में ले भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर सीनियर BJP नेता जी किशन रेड्डी ने शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, श्री रामोजी राव गुरु के निधन से दुखी हूँ। तेलुगु मीडिया और पत्रकारिता में उनका उल्लेखनीय योगदान सराहनीय है। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मैं गहरी संवेदना जताता हूँ। रामोजी राव एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन कंपनी उषा किरण मूवीज के हेड थे। उनको चेरुकुरी रामोजी राव के नाम से भी जाना जाता है। वह दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी रामोजी फिल्म सिटी के मालिक थे। सिनेमा जगत में अहम योगदान के लिए उनको नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी के अंदर एक धड़े का मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी और विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए। जिस पर भी बैठक में चर्चा होगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर विचार विमर्श के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी। होटल अशोक ने शनिवार सुबह 11 बजे CWC के बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य सदस्य शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता और विभिन्न राज्यों के प्रदेश
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे और संगठन को मजबूत करने के उपाय सुझाएंगे। पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष करगे होटल अशोक में सभी CWC सदस्यों और पार्टी सांसदों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कांग्रेस लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने 2019 के चुनाव में अपनी सीटों की संख्या 52 से बढ़ाकर 99 कर ली है। पार्टी के अंदर एक धड़े का मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी और विपक्ष के नेता के पद संभालना चाहिए, जिस पर भी बैठक में चर्चा होगी। बैठक में सोनिया गांधी को फिर से कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना जा सकता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस लोकसभा में अपने नेता का नाम तय करेगी और राहुल गांधी के इस महत्वपूर्ण पद को संभालने की मांग उठने लगी है। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश व राजस्थान के ऊपरी वायुमंडल के चक्रवात बना हुआ है, जिससे अरब सागर से नमी लिए हवाएं बह रही है। इसके असर से 10 जिलों में बारिश व अधन की संभावना है। उत्तर भारत को 5 दिन अधन और गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। राजस्थान में अधन से उखड़े पेड़ की चपेट में आकर माँ बेटी की मौत हो गई। महाराष्ट्र में वर्ष जनित हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई है, संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भी आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में शुक्रवार को हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश व पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में 5 दिन लू की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में शनिवार और रविवार को तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है, आंधी तूफान भी आ सकता है। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान इन राज्यों में तापमान में कुछ गिरावट आई, लेकिन पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। उत्तर प्रदेश के उराई में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपरी वायुमंडल के चक्रवात बना हुआ है, जिससे अरब सागर से नमी लिए हवाएं बह रही है। इसके असर से 10 जिलों में बारिश व अधन की संभावना है। वहीं केरल के 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और 5 अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे शपथ ग्रहण को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने रविवार से 2 दिन तक राष्ट्रीय राजधानी को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र में घोषित किया है। पीएम मोदी के लगातार तीसरे शपथ ग्रहण को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने रविवार से 2 दिन तक राष्ट्रीय राजधानी को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र में घोषित किया है। इस दौरान पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, UAV, USA, हॉट एयर बैलून, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट और रिमोट से संचालित विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेंगे। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने निषेधाज्ञाओं का आदेश जारी करते हुए बताया कि ऐसी सूचना है कि भारत विरोधी कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व व आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के पास ड्रोन और लेजर बीम गतिविधियों को रोकने के लिए भी निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस व सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। किसी भी अनाधिकृत वाहन को सुरक्षा क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए गहन जाँच की जा रही है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8,000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार कार्यकाल के लिए 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बेहद खास होगा। इस समारोह में जहां एक तरफ दुनिया भर का शीर्ष नेता शामिल हो गए, तो वही सफाई कर्मी, ट्रांसजेंडर मजदूर भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8,000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने भी प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मालदीव के न्यूज़ पोर्टल ने यह दावा किया है कि मालदीव के मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति मुइज़ शनिवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए और इस दौरान उनके साथ उनकी सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी भारत आएंगे। हालांकि
हालांकि अभी तक मालदीव की सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बुधवार को मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई भी दी थी। मुइज़ को चीन समर्थक माना जाता है और अगर वह भारत आते हैं तो यह राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा हो। मोहम्मद मुइज़ पिछले साल राष्ट्रपति बनने के बाद से तुर्की और चीन की दौरा कर चुके हैं। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के लिए नरेंद्र मोदी रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इधर कांग्रेस खेमे में हलचल शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। शनिवार शाम को लोकसभा और राज्यसभा के पार्टी सांसदों की बैठक है। इस बैठक में सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का फिर से अध्यक्ष चुना जा सकता है। साथ ही इस बैठक में पार्टी नेता राहुल गांधी को प्रमुख भूमिका सौंपाने की मांग उठ सकती है। राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाया जा सकता है। राहुल गांधी ने इस बार केरल की वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से लोकसभा चुनाव का जीता है। लोकसभा में राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाया जाए, इसके लिए आज शाम कांग्रेस को होने वाली मीटिंग में केसी वेणुगोपाल, मणिकम ठाकुर और गौरव गोगोई सहित पार्टी सांसदों द्वारा हाथ उठाकर यह मांग उठाए जाने की उम्मीद है। लोकसभा में कांग्रेस का नेता ही सदन में विपक्ष का नेता होगा, क्योंकि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों में सबसे ज्यादा सीटें जीती है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि यह सोनिया गांधी पर निर्भर करेगा कि वह लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में राहुल गांधी के नाम का फैसला करती है या किसी अन्य नेता का चयन करती है। इस मुद्दे पर अभी कोई निर्णय होने की उम्मीद कम है। कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बाद में प्रेस रिलीज के माध्यम से इस पर अपनी राय रख दिखेंगे। सोनिया गांधी अभी राज्यसभा की सदस्य है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष के नेता है। नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित संसद कैबिनेट मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आज अहम बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा। रविवार की शाम 7:15 पर पीएम मोदी और उनकी नई कैबिनेट के सदस्यों का शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है। बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लें। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 240 सीटें जीती, लेकिन बहुमत के अखंडे से 32 सीटें पीछे रह गई है। अब चुनाव में बहुमत से दूर बसपा और 4 सहयोगियों के समर्थन से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वे 4 प्रमुख पार्टियां हैं। एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जिसने 16 सीटें जीती है, नीतीश कुमार की जेडीयू जिसने 12 सीटें जीती है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिसने 7 सीटें जीती है और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। शनिवार की एनडीए की बैठक में तय हो जाएगा कि किस सहयोगी को कितनी कैबिनेट की सीटें मिल सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बैठक में योगी सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि आज की इस कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में कम सीटें मिलने पर भी चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में कम सीटें मिलने के पीछे क्या वजह रही, इसकी समीक्षा भी करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से ही लगा है। दरअसल इससे पहले कल सीएम योगी दिन भर दिल्ली में रहे। यहाँ पर एनडीए के घटक दलों की एक बैठक में वह शामिल हुए। यहाँ पीएम मोदी को एनडीए दलों का नेता चुना गया है। इसके बाद सीएम योगी आज लखनऊ में भी अपनी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ यूपी में मिली हार की समीक्षा करेंगे। इसे लेकर आज लखनऊ के लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में न सिर्फ बीजेपी को कम सीटें मिलने पर कारणों की समीक्षा की जाएगी, बल्कि आगे के रोड मैप पर भी चर्चा की जाएगी।